वन इज अ पक्का थम्स डाउन, पैकेजिंग की कॉपी है. फोटो में क्या और रियल में क्या? ओह, ये ऑलरेडी डैमेज्ड है. हाय, वेलकम टू अ अंडर रुपीज 110 मेकअप वीडियो. एंड दिस इज नॉट जस्ट अ हॉल, हम एक्चुअली सब यूज करके फुल फेस ऑफ मेकअप करने वाले हैं. टूल्स भी इंक्लूडेड है, सो लेट्स बिगिन. ये रहा हमारा पिटारा. मैं हमेशा प्राइमर से स्टार्ट करती हूँ बिकॉज मेरे काफी बड़े बड़े पोर्स हैं, तो प्राइमर से एक इवन फिनिश मिल जाती है क्योंकि पोर्स में प्राइमर फिल हो जाता है तो मेकअप उसमें जाके फिर गड्ढे नहीं दिखते फेस पे. वी हैव इनसाइड का पोर मिनिमाइजर प्राइमर एंड ये लिटरली बेनिफिट की पैकेजिंग की कॉपी है. ये 10 ml आता है 115 रुपीज का, लेकिन सेल में 110 का मिला था एग्जैक्टली. और ये ऑलरेडी लीक हो चुका है. वैसे चीक्स, नोज, थोड़ा सा फोरहेड, आई नीड टू क्लिप दैट हेयर एंड चिन पे लगाती हूँ, बेसिकली टी जोन में. कभी भी ऐसे इसको मॉइस्चराइजर के जैसे नहीं, टैप 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 करके लगाना है. कंसिस्टेंसी काफी अच्छी है, आई गिव दिस अ थम्स अप. जब बाल हटा देती हूँ यार, बहुत बीच में आएंगे मेकअप करते वक्त. प्योर ऑल्सो रात के राजा या रानी लाइक मी, तो डार्क सर्कल्स हमारा पीछा नहीं छोड़ते. फॉर दैट आई ऑर्डर इनसाइड का एक कंसीलर जो ऑरेंज शेड में अवेलेबल था, 105 रुपीज. एंड इसकी क्रीमी कंसिस्टेंसी है, काफी अच्छी है ये. वाओ, ऑरेंज कलर करेक्टर्स ना जल्दी से एक तो सारे ब्रांड्स बनाते भी नहीं है. एंड इसकी परफॉर्मेंस डबल थम्स अप. इसका लॉजिक कैसे पता है कि जो कलर व्हील होता है ना उसमें एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शंस में आता है ऑरेंज एंड ब्लू. एंड एग्जैक्टली उसी वजह से, क्योंकि अपनी जो नसें होती है वो ब्लू कलर की होती है, ऑरेंज उसको बराबर से कैंसिल आउट कर देता है ताकि जब कंसीलर इसके ऊपर जाए तब अंदर की कोई भी ग्रेनेस या डार्कनेस नहीं बचे. नॉर्मली मैं दो अलग फॉर्मूला का प्रेफर करती हूँ, करेक्टर एंड कंसीलर, लेकिन अफोर्डेबल रेंज में ना इनसाइड का यही कंसीलर अवेलेबल था. ये है इन द शेड पोर्सिलिन एंड सेम प्राइस 105 रुपीज का ही था ये भी. प्रॉब्लम क्या आती है ना, अगर सेम कंसिस्टेंसी का होता है ना दोनों, तो दे स्टार्ट ब्लेंडिंग एक दूसरे के साथ, फिर ना करेक्टर कंसीलर के नीचे बैठता है, पूरा पीचिश जैसा कुछ हो जाता है. तो ना इसमें थोड़ी फाउंडेशन मिक्स कर लेते हैं, अलग हो जाएगी कंसिस्टेंसी. फिर फाउंडेशन के लिए ऑर्डर फ्रॉम L18 एंड मैंने दो शेड्स ऑर्डर किए थे, एक फाउंडेशन के लिए और एक कॉन्टोर के लिए. दोनों सेम से दिख रहे हैं, यू नो. आपको कोई डिफरेंस लग रहा है क्या? मतलब 27 ml 105 रुपीज के लिए दे रहे, ठीक है, लेकिन व्हाट इज द शेड रेंज? एक तो गिने चुने 3-4 शेड्स होते हैं उसमें भी, वो भी सब सेम लग रहे हैं, तो हुम आर दे सेलिंग इट टू? कौन है इनकी ऑडियंस? नो एप्लीकेटर. ओके, मुझे अभी तो थोड़ा सा ही चाहिए अंडर आईज के लिए कवरेज, तो ठीक है, लेट्स गो विद द कंसीलर. वाओ, ओके, इनसाइड का कंसीलर रेंज बिग फैट थम्स अप, क्योंकि क्या कवरेज दिया है. मैं ना नॉर्मली से कंसीलर ही पहले लगाती हूँ फिर फाउंडेशन लगाती हूँ ताकि पूरे फेस पे एक इवन हो. मैं फाउंडेशन के ऊपर कंसीलर लगाती हूँ तो कभी कभी टिक के आता है कि इधर थोड़ा लाइट है और बाकी फेस अलग कलर का है. सो लेट्स गो विद द फाउंडेशन एंड प्रे दैट इट मैचेस. लेकिन फाउंडेशन लगाएंगे किससे? तो वी फाउंड अ स्पंज एज वेल अंडर 110. ये 80 रुपीज का स्पंज है एंड इसका शेप, ये ब्रॉन्सन प्रोफेशनल्स है, इनके मेकअप ब्रशेस मैंने काफी देखे नायका पे, बट यू नो इवन विदाउट वाटर बहुत सॉफ्ट है ये. अफोर्डेबल स्पंजेस तो बहुत कड़क होते हैं. है, मैं पानी का टम्बलर हेयर को सोक कर लेते अच्छे से. इतना प्रिटी है ना, खराब करने का मन ही नहीं कर रहा है इसको. सॉरी, लाइटिंग चेंज हो रही है, बार बार सन आ रहा है जा रहा है, क्लाउड्स के पीछे छुप रहा है, तो वो अपने ही मूड में आज. ये फाउंडेशन तो निकल ही नहीं रही है यार, बहुत ही वॉटरी कंसिस्टेंसी है इसकी. कंसीलर में ना क्रीसेस आ रही है तो वो बहुत टाइम तक ऐसे नहीं रख सकते, उसको पाउडर से सेट करना ही पड़ेगा. और जो बचा हो नेक पे, ओ स्पंज का जो टिप है ना वो अंडर आई में इतना परफेक्टली फिट हो रहा है. वाओ, पर ये फाउंडेशन से ऐसा लग रहा है कि मुझे जॉन्डिस हो गया हो. इतनी पीली, मतलब बेसिकली जब भी अपन एक्सपेंसिव रेंज में जाते हैं ना तो ये सब अंडरटोन्स जैसे पिंक, येलो, न्यूट्रल, ये सब भी अपन सिलेक्ट कर सकते हैं. बट इन अफोर्डेबल रेंज शेड्स की कमी, अंडरटोन तो दूर की बात है, लाइक वी कांट इवन एक्सपेक्ट. वो छोटे छोटे स्पॉट्स भी कवर नहीं किए इस फाउंडेशन ने, पूरे फेस पे पैच पैच हो रखा है, दिख रहा है. सो बैड. ये फाउंडेशन मेरी कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन टाइप के लिए तो वर्क नहीं की. मैं इसको थम्स डाउन देती हूँ, बट इफ यू हैव अ डिफरेंट स्किन टाइप शायद आपके लिए काम कर जाए. फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट में लिटरली मेरा शेड सेम है, 02 मार्बल. लेकिन अगेन ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है हमारे पास. कॉम्पैक्ट 105 रुपीज का मिला, पैकेजिंग इसकी काफी अच्छी है, मिरर भी है. ओके, पैकेजिंग टॉप नॉच. हमें लगा है किसके साथ, स्पंज से लगाना पड़ेगा. यू नो लिटरली इस कॉम्पैक्ट में उस फाउंडेशन से ज्यादा कवरेज है. ये कॉम्पैक्ट ऐसा थोड़ा ओके है, नॉट द बेस्ट, लेकिन अगर अफोर्डेबल रेंज में जाना है देन दिस इज गुड. बट लूज पाउडर बहुत बेटर होता है क्योंकि ये
कंसीलर पता है कैसे ऐसे रिंकल्स में घुस रहा है, वो लूज पाउडर से सेट होके ही बराबर बेक होगा, सो स्किप कर सकते हैं। बुरा भी नहीं है लेकिन एकदम अच्छा भी नहीं है। नेक्स्ट अप द कॉन्टोर, जिसके लिए मैंने ये 03 शेड की फाउंडेशन ली थी, लेकिन एब्सोल्युटली मुझे तो कोई डिफरेंस लग ही नहीं रहा इसमें, सो कॉन्टोर नहीं हो पाएगा अनफॉर्चुनेटली। सो नेक्स्ट अप बिकम्स ब्लश, एंड ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ब्लश है, सॉरी वो उल्टा था। इसमें काफी सारे शेड ऑप्शन थे एंड मैंने सॉफ्ट सैमन शेड सेलेक्ट किया। 80 रुपीज का ब्लश, ओ नो, मुझे लगा था ये मैट पाउडर ब्लश होगा इसलिए मैंने मेरा फेस सेट कर दिया, बट ये तो क्रीम ब्लश है व्हिच नॉर्मली इज गुड, लेकिन मैंने फेस सेट कर दिया है। दिस इज अ टिप कि सारे क्रीम प्रोडक्ट्स पहले एक साथ लगा लेने के एंड देन सारे पाउडर्स एक साथ, सो लेट्स सी, विल स्टिल ट्राई। ओके, ये ब्लश ना फिंगर्स से बहुत बेटर ब्लेंड हो रहा है कम्पेयर टू द स्पंज। स्पंज से ना कुछ पैची पैची सा हो गया, बट अदरवाइज काफी अच्छा है। लाइक दिस वॉज बिफोर और ये है आफ्टर, है ना मस्त। पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ी ज्यादा हो गई, सो आई एम टेकिंग कॉम्पैक्ट उसके साथ वाला स्पंज एंड गोइंग उसके ऊपर, तो क्या मैट भी हो जाएगा वापस एंड थोड़ा पिगमेंटेशन उतर भी जाएगा। इसको ब्लेंड बहुत करना पड़ता है बड़ी ब्लश को, सो अगर इजी टू ब्लेंड प्रोडक्ट्स चाहिए ना तो स्टिक फॉर्मुला, एक पिक्सी का ये जो स्टिक ब्लश वायरल हुआ है, ओ माय गॉड। तो ऐसे हाई एंड प्रोडक्ट्स आर इजियर टू ब्लेंड एंड बजट प्रोडक्ट्स के साथ थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है, बट इट वर्क, इट वर्क्ड फैबुलसली। पूरा एक साल जो जाएगा इतनी सारी क्वांटिटी है इसमें, सो दिस इज अगेन अ मैसिव थम्स अप। गेस व्हाट, इस बुद्धू ने एक ब्लश ऑर्डर किया था, मुझे लगा दोनों आई शैडो ब्रशेस है, बट नहीं, मैंने जस्ट देखा इतना बढ़िया ब्लश, इतना बढ़िया ब्रश। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड ब्यूटीलेस प्रोफेशनल। आगे से काफी सॉफ्ट है एंड इजिली रिमूवेबल नहीं है एंड इट लुक्स क्यूट। दिस इज ओनली फॉर 75 रुपीज यार। फेस कम्प्लीट कर ही लेते हैं, सिर्फ हाईलाइट है तो बाकी। सो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स, लेकिन आई रियली होप कि यार ये पाउडर फॉर्म में हो प्लीज। नो, ये भी क्रीम फॉर्म है यार, मेंशन कैसे नहीं करा था कि ये क्रीम हाईलाइटर है। दिस इज इन द शेड मरमेड स्केल, ये 110 रुपीज का था। फॉर्मूला तो सेम ही लग रहा है चारों इनसाइड के प्रोडक्ट्स का, कंसीलर, करेक्टर, ब्लश और हाईलाइटर का, पर रियली मेंशन करना चाहिए यार कि पाउडर है या क्रीम है। ओ नो नो नो, मोटे मोटे ग्लिटर पार्टिकल्स है, माय गॉड, शाइन दे देगा, दूर से शायद ठीक लग रहा होगा, आई डोंट नो कैसा लग रहा है, लेकिन जब मैं मिरर में देख रही हूँ इतने बड़े बड़े ग्लिटर पार्टिकल्स है, ऐसे ब्लेंड भी नहीं हो पा रहा ये। वन इज अ पक्का थम्स डाउन, सी ना ऐसा है, व्हेन आई डू इट लाइक दिस फिंगर पे भी ऐसे बराबर ब्लेंड नहीं हो रहा है, एकदम वैक्सी सा, वैसलीन जैसा है, बट जस्ट नॉट राइट। ऐसा स्पॉट हाइलाइटिंग के लिए ठीक है, बट अगर इसको थोड़ा ब्लेंड करना है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जो ग्लिटर ट्यूब आती है ना, वैसा कंसिस्टेंसी है इसका। वी हैव स्विस ब्यूटी का सबसे वायरल प्रोडक्ट है आईब्रो पेंसिल्स। बहुत ही कम ब्रांड्स ने बनाया था, स्टार्टिंग में सिर्फ मिस क्लेयर एंड स्विस ब्यूटी ही कर रहे थे, सो लिटरली एक ब्रश भी है एंड द एक्चुअल पेंसिल। ये मैंने लिया इन द शेड डार्क ब्राउन टू मैच माई हेयर और ये 66 रुपीज का है। नॉर्मली मैं आईब्राउज ना इतना फिल नहीं करती क्योंकि बहुत बड़े बुशी आईब्राउज है मेरे, काफी पिगमेंटेड है। बिग थम्स अप, मस्त है। मुझे बस शार्पन करने वाली चीजें नहीं अच्छी लगती क्योंकि शार्पनर घूम जाता है ना, तब तक फिर ये प्रोडक्ट काम नहीं आता। आई लाइक वो डिट्रैक्टेबल पेंसिल्स, पर एक्चुअल जो प्रोडक्ट है काफी तगड़ा है, सो वर्थ द मनी। आई शेडो में फाइनली वी हैव मिस क्लेयर। ये बेक्ड आई शेडो है एंड बेक्ड हाईलाइटर, बेक्ड ब्लश मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फिनिश कुछ अलग ही आती है उनकी, सटल सी लेकिन इतनी सुंदर। सो ये आई शेडो का लुक भी एकदम वैसा है। लुक, 88 रुपीज का था ये एंड दिस इज शेड नंबर 12 एंड वी ऑल्सो हैव एन आई शेडो ब्रश, वो सेम कंपनी से, ब्यूटीलेस प्रोफेशनल से। दिस वॉज फॉर 60 रुपीज, एमआरपी तो ज्यादा ही थी, 175 थी, बट सेलिंग प्राइस आफ्टर सेल प्राइस 60 रुपीज थी। कितना क्यूट है, क्वाइट सॉफ्ट, इतना सटल है ये बट इतना ब्यूटिफुल है। नो मेकअप, मेकअप लुक्स में बहुत अच्छा लगेगा। हाथों की गर्मी से ना शिमर्स अच्छे से पिकअप होते हैं। ओ माई गॉड, Definitely worth it. Miss Clear Baked Eyeshadow, amazing. We then have a kajal. Tight lining बहुत सुंदर लगती है on the upper lid. यह Miss Clear का super intense black kajal. This I got for 67 rupees and एकदम ही colossal की color scheme से बस उल्टी है। वो yellow packaging पे black font होता है और ये black पे yellow है, लेकिन it just reminds you of that.
हाँ ओ माय गॉड 67 रुपीस में उन्होंने ये पैकेजिंग दी है, इसके लिए दिल जीत लिया। क्यों शार्पन करना नहीं मजा आता यार, स्कूल तक मैं शार्पनर नहीं संभाल पाई थी, अभी क्या संभालूंगी। सो दैट इज हाउ आई टाइट लाइन। वैसे इट्स अ थम्स अप परफॉर्मेंस वाइज, लेकिन मेरी आंखें ना थोड़ी सी जली इसको लगाकर, विच इज वाई आई विल गिव इट अ थम्स डाउन ओनली बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आज तक ऐसे किसी काजल से जली नहीं है मेरी आंखें। बट ऑफकोर्स हो सकता है कुछ और भी रीजन हो, सो इट कुड वर्क, क्योंकि वैसे प्रोडक्ट अच्छा है। बट जस्ट बी सुपर सुपर केयरफुल, ओके, एक थोड़ा सा टेस्ट करके ही फिर आगे बढ़ना। आई लाइनर ऑल दो, मुझसे अभी भी दो विंग्स अच्छे से नहीं बनते। मेड इन जर्मनी, मिस क्लेयर आई लाइनर मेड इन जर्मनी। वाओ, आई डिडंट नो कि ये इंडियन कंपनी नहीं है। पैकेजिंग ना निकल ही नहीं रही इसकी, सो दिस इज द बेस्ट। मेरे हाथ में ऐसा ही है तो यही दिखा पा रही हूँ। बट दिस इज इन द शेड ऑर्किड, दिस वाज फॉर 105 रुपीज। सो आई वंडर, ओ माय गॉड, ये पर्पल कलर का है। कलरफुल आई लाइनर्स आर अमेजिंग फॉर ग्राफिक लाइनर्स एंड एवरीथिंग। इतना इजिली अप्लाई हो गया, ये मैट नहीं है, ये ग्लिटरी है, बट क्या मस्त है ये। अभी तक के वीडियो में ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट बन गया है, बिकॉज मेरे लिए इजी टू अप्लाई था। मतलब जेन्युइनली इसकी टिप बहुत अच्छी है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, स्टिफ है, बट इतना शार्प पॉइंट है कि अच्छे से अप्लाई हो गया। आई डू इट हियर ऑल्सो। शो स्टॉपर बन गया है, मैं डेफिनेटली इसमें और कलर्स ऑर्डर करना चाहूंगी। ओके, अब आते हैं एक स्टेप पे जो मुझे इतना पसंद नहीं है, विच इज मस्कारा। क्योंकि जब मस्कारास निकालने में डिफिकल्ट होते हैं, लाइक वाटर प्रूफ मस्कारास दे गुड, स्पेशली वेडिंग एंड ऑल के लिए बहुत अच्छा होता है। ओ, ये ब्लू हेवन का है, मैं बताने को पहले खोल रही थी, इट्स फ्रॉम ब्लू हेवन, 72 रुपीज का है। आई जस्ट होप इसको लगा के मेरी आंख नहीं जले। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मस्कारा निकालने में बहुत मेहनत लगती है, और दिस इज द वॉल्यूमाइजिंग 10x मस्कारा। लेट्स सी इफ दिस एक्चुअली गिव्स एनी वॉल्यूम और नॉट। पहले एक ही साइड पे लगाएंगे। वॉल्यूम आई डोंट थिंक सो, मुझे लग रहा है कि लेंथनिंग है, मतलब आई लैशेस को उसने अच्छे से उठा तो लिया, पर आई डोंट थिंक इट्स मेकिंग इट लुक अ लॉट, लाइक क्वांटिटी नहीं बढ़ी आई लैशेस के, ऐसे अपियरेंस में एकदम मस्त नहीं लग रहा। सो थम्स डाउन, बस अब इक्वल कर देते दोनों आंखों को। ओके, लास्ट स्टेप, वी आर ऑन द लिप्स। तो लिप लाइनर के लिए मुझे मिला स्विस ब्यूटी का ये बोल्ड मैट लिप लाइनर इन अ सुंदर न्यूड शेड, विच इज चोको न्यूड। इट्स वेरी लाइट, फोटो में थोड़ा डार्क लग रहा था इससे। न्यू लिप लाइनर्स के हिसाब से बहुत मस्त है। लिपस्टिक में वी हैव टू ऑप्शंस, एक है ब्यूटी पीपल की शेयर लिप कलर, और दूसरी है इनसाइड कॉस्मेटिक्स की लिक्विड लिपस्टिक। ये ऑलरेडी डैमेज्ड है, ये सिर्फ 60 रुपीज की थी, ठीक है, और ये मैनेजेबल भी है, लेकिन और ये शेड तो पूरा ही अलग है फ्रॉम व्हाट आई हैड सीन। शेयर लिप कलर का मतलब क्या होता है कि हल्का हल्का सा कलर आएगा, बट दिस शेड इज नॉट एट ऑल सटल। आई होप इनसाइड वाली बेटर हो। ये है इन द शेड टॉफी क्रीम एंड 99 रुपीज MRP थी, दैट इज हाउ मच वी गॉट इट फॉर। फोटो में क्या और रियल में क्या। मैंने पर्पल आई लाइनर ऑर्डर किया था बिकॉज मैंने लिपस्टिक न्यूड रखी थी, तो आई थॉट कि हो जाएगा मैच, बट भड़कीला पिंक है ये तो। ये काफी क्रीमी है, आई एम श्योर द फॉर्मूला विल बी गुड, लेकिन इस मेकअप लुक के साथ इट्स अ बिग नो नो। मैं सिर्फ लिप लाइनर से मेरे लिप्स भर रही हूँ, दोनों में से एक भी लिपस्टिक नहीं जाएगी इसके साथ। वो होता ना कि माई लिप्स बट बेटर, ये वो टाइप का है। But this is the final makeup look. I hope आपको ये video देखने में मजा आया, and I hope you found some new interesting products which are so easy on the pocket की अंदाज makeup routine में include कर सकते हैं। ऐसे और videos चाहिए then definitely subscribe करना, and comment से बताना which was your favorite product and कौन सा अगला video चाहिए ऐसा। मजा आया तो give this video thumbs up, नहीं आया तो बिंदास give a thumbs down. I will see you in a brand new video very very soon. Until then, goodbye.